औरत को जो है रूटीन बना हुआ रहता है, यानी सूरज निकलने से पहले लोग जाती हैं महिलाएं, अंधेरा रहता है उस टाइम में, और शाम को फिर सूरज ढलने के बाद लोग बाहर जाती हैं। अंधेरा में जाते हैं, बैठते उठते हैं, घड़ी आता है तो उठ जाते हैं, मर्द आता है तो उठ जाते हैं, दिक्कत होता है फिर बैठने में, पैर में दर्द होता है। जना वर्षा भले तो जाए के दिक्कत हो, रात हो तो सांप बिच्छू के डर होते रहे। हम रात को लोटा लेकर को जाते हैं बाहर, तो छेड़खानी आर का बहुत मेरे मुझको डर लगता है अकेले में। बाहर गेला पर उन्हें से गिदड़ खिखीर सांप बिच्छू, ऊपर से कोई चिड़ै चुनमुनी जे पर लैट्रिन कर दे रहे, हर एक तरह की दिक्कत हुई है। हमारे लोग कभी भी बाहर जाकर सुविधा लेकर सकते हैं। हमरा पास शौचालय नहीं रहे, शौचालय बनबे ला हमर परिवार जे छे से ज़्यादा प्रयास करते रहे। हमरा उपाय नहीं रहे जे हम बनेतियर, बहुत दिक्कत में रहिए। जिनका पैसा से वह बने छे, जिनका पैसा नहीं छे तो नहीं बना सके छे। हमरा ऐसा लोग दुख पर आदमी कहाँ से बनेबे। तो हुनका कहले नहीं शौचालय बनेब, तो कहलखिन जे नहीं हम नहीं बनेबे, कहले नहीं बनेबे करबे ला जहाँ से हो तहाँ से बनेबे। शौचालय बना लेलिए, आप 2 महीना से हमारा पास बहुत सुविधा छे। मेरे समझाने पर लगभग 4,500 लोगों ने शौचालय बनवा लिया। तो अभी शौचालय बन गए तो रात बिरात जखन हो तखन जाए में सुविधा भले, शाम बिच्छू के डर नहीं छे। अब सुविधा यही छे सुलावे बनने पर कि अपन पेचे खराब कभी भी वर्षा हो छे बूंदी हो छे जाके आराम से टेक्नोलॉजी कर लिए। जब हमारे घर की टंकी भर गई तो मैं टेंशन में आ गया कि अब इसको किस तरह से साफ करवाया जाए। पटना जिले में लगभग 90% बाहर निपटारा होता है और सिर्फ 10% ही सुरक्षित निपटारा, जो कि किसी के माध्यम से कनेक्ट होके एसटीपी तक पहुंचता है या ट्रीट होता है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मेरे घर पे PSI के लोग विजिट करने आए थे, तो अपना लिफलेट और टोल फ्री नंबर दिए थे कि अगर आपकी घर की टंकी भर जाए तो इस नंबर पे फोन करके आप हमसे संपर्क कीजिए और अपने घर की टंकी को साफ करवाइए। पटना की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि टैंकर ऑपरेटर्स को स्लज को सुरक्षित निपटारा करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। पटना जिले में कितने टैंकर ऑपरेटर है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, सभी को मैप किया हमने और उनके साथ अपने काम करने का स्टार्ट किया। फिर इनका एक फॉर्मल संगठन हम लोगों ने बनाया, एक समूह बनाया और इन सभी सदस्यों को बिहार राज्य जल परिषद के द्वारा एक स्थान मिला हुआ है जहां पे कि ये लोग सुरक्षित निपटारा कर सके। पहले हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं भेल था, हम लोग अलग अलग अपना तरह से हम लोग काम करते थे। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, हम लोग एकजुट होकर काम करते हैं। हमने डिमांड जनरेशन पे भी काम चालू किया, हमने एक टोल फ्री नंबर पहले डेवलप किया और उसे प्रमोट करने के लिए हमने विन विन एक्टिविटी स्टार्ट की। हमने हमारे फील्ड प्रमोटर जो हाउस टू हाउस विजिट करते हैं उनके बारे में बात की, फोन किया उस टोल फ्री नंबर पे और 24 घंटे के अंदर वे लोग आए और हमारे घर के शौचालय को बहुत ही अच्छे ढंग से साफ करवा दिया और जो दूषित वायु फैल रही थी उससे हमें निजात दिलाया। PSI NGO संस्था के द्वारा फरवरी 2019 में 5,00,000 लीटर लगभग फेकल स्लज का डिस्पोजल हुआ उनकी मदद से। हमने उनको बताया, हमने उनकी ट्रेनिंग दी, हमने उनके साथ निरंतर मीटिंग भी की ताकि वो इन चीजों को समझ सके और इसको एक सस्टेनेबल अप्रोच बना सके। मार्च 2019 तक अप्रोक्स 48,00,000 लीटर फेकल स्लज का सेफ डिस्पोजल किया गया, क्योंकि बहुत सारे महामारी से हम लोग बच गए और डिस्पोजल कराकर और लोगों को निजात दिला सके।